हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं कच्चे नारियल की आइसक्रीम, टेस्टी टेस्टी और बिना गैस जलाए हम इसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक हमने ये कच्चा नारियल ले लिया है, उसे ऊपर से छील लिया है, ये काला वाला छिलका हटा दिया है इसका। और आप नहीं हटाना चाहते तो ना हटाएँ, इसी तरह से ले लें, ऐसे ही भी बना सकते हैं। तो इसे हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। तो छोटा छोटा कट करने के बाद मैं इसे मिक्सी में पेस्ट बनाऊंगी। थोड़ा सा नारियल इसका हमने रहने दिया, इसे हम कद्दूकस करेंगे। तो सारा नारियल हम ये पेस्ट बना लेते हैं, इसमें डाल देते हैं। और इसके साथ हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमने अच्छे से पीस लिया है, इसको इस तरह का पेस्ट बना लिया है, ये देखें आप। तो इस तरीके का पेस्ट बना लें। और फिर हम ये जो हमने बचाया था नारियल, इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं, इसको हम ऊपर से डालेंगे, ताकि ये नारियल की आइसक्रीम बन रही है तो खाने में फुल पूरा फ्लेवर नारियल का ही आए। तो इसमें हम अब मिलाएंगे। तो ये जो हमने नारियल को पीसा था उसको हम निकाल लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे ये मिल्क पाउडर, आधा कप मैंने यहाँ मिल्क पाउडर ले लिया है। तो इसे हम मिक्स कर देते हैं। और इसमें हम डालेंगे आइसिंग शुगर, हमने चीनी को पीस लिया था, दो इलायची भी इसमें डालकर हमने पीस ली थी। तो चीनी थोड़ा मीठा ज़्यादा रखें, क्योंकि ठंडा होने के बाद फीका लगने लगता है, इसलिए। तो चीनी भी मैंने आधा कप ली थी और मिल्क पाउडर भी आधा कप ही लिया है। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, बढ़िया करके इसे मिला लें। तो ये मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे तरीके से। इसमें हम डालेंगे घर की मलाई है ये, थोड़ी सी वो डाल देते हैं। इसे डालने से टेस्ट और हो जाएगा डबल। तो थोड़ा सा दूध और डालेंगे तो और मिक्स कर देते हैं। तो इस तरीके का हमें चाहिए, ये देखें। तो इस तरीके का घोल बना लें सारी चीज़ें मिक्स कर कर। तो ये मेरे पास आइसक्रीम मोल्ड है, इसमें मैं जमाने वाली हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो गिलास वगैरह में आप जमा सकते हैं। तो ये मोल्ड ले लिया है मैंने और ये गिलास ले लिया है, इन दोनों ही चीज़ों में मैं जमाऊँगी। तो अगर आपके पास नहीं है तो गिलास में किसी भी चीज़ में आप जमा सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सा हम ये डाल देते हैं इसके नीचे, जो हमने नारियल को ग्रेट करके रखा है। तो हम सभी में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। और फिर जो हमने ये बनाया था वो हम डाल देते हैं, ठीक है, नारियल का ये। तो सभी को हम भर देंगे इस तरह से। तो सारे मोल्ड हम इसी तरह से भर देते हैं। और हम इसमें ये लगा देंगे, इसी के ये लगा देते हैं, हम अलग से स्टिक नहीं लगाएंगे। तो अगर आपके पास स्टिक भी नहीं है तब भी आपको हम चला सकते हैं, क्योंकि अब मैं गिलास वाला दिखाने वाली हूँ, गिलास में मैंने किस तरह से जमाई है। तो एक गिलास ले लें, उसमें डाल दें ये सारा मिश्रण, और थोड़ा सा हम ये डाल देते हैं और ये सारा ही डाल देंगे, क्योंकि ये सारा ही इसमें आ जाएगा। तो अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप गिलास में जमा सकते हैं इस तरह से। और अगर स्टिक भी नहीं है तब भी आप चम्मच लगा दें इसमें, तो फॉइल से पहले इसे कवर कर दें इस तरीके से, और अच्छे तरीके से इसे कवर कर दें ताकि इसके अंदर हवा ना जा सके। इस तरीके से अच्छे से कवर कर दें इसे। और इसमें हम स्टिक है नहीं हमारे पास, इस चम्मच लगा देंगे इस तरह से, ठीक है, हल्का सा पुश कर कर ये चम्मच को लगा दें। तो इस तरीके से भी आप जमा सकते हैं। तो अब इसे हम 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, 6 घंटे बाद हम इसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 घंटे हो गए हैं, मैंने इसे निकाल लिया है, दोनों ही आइसक्रीम को निकाल लिया है। एक पानी ले लें एक बर्तन में, इस तरह से हिला लें। तो इस तरीके से हिलाने से जल्दी से आइसक्रीम निकल आएगी। तो अब हम निकाल लेते हैं।
ये देखें, तो ये देखें काफ़ी अच्छी जमकर तैयार हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो सारी आइसक्रीम हम निकाल लेते हैं इसी तरीके से। तो यकीन जाने खाने में बहुत टेस्टी है कच्ची नारियल की आइसक्रीम, आप भी ज़रूर बनाइएगा इसी तरीके से। ना ही गैस जलाने की झंझट है और बहुत जल्दी से ये बन जाती है, बस 6 घंटे जमने का इंतज़ार करना पड़ता है। कम ही चीज़ों में से हम बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। और तो ये सारी ही मैंने मोल्ड से अलग कर दी है आइसक्रीम। अब हम गिलास वाली दिखाएंगे, उसको निकालेंगे हम, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे जमकर तैयार हुई है और बहुत ही टेस्टी है। तो इस तरह से गिलास को भी कर लें और फिर इसे निकाल दें। देखिए हल्का सा घुमाएंगे और फिर ये निकल आएगी। तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, इसे हम कट करेंगे, छुरी से कट कर लें प्लेट में, उस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम निकाल कर गोल गोल कट कर लेंगे उस तरीके से। देखिए आराम से कट रही हो, बहुत ही बढ़िया बनी है ये, मलाईदार एकदम। और यकीन जाने खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो इसी तरह से आप भी बनाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसी तरह की वीडियो मैं लाती रहती हूँ, और भी बहुत सारी वीडियो मैं डालती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।